नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का जो मैच सुबह 9 बजे स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। ये तीसरा ओडीआई है इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में। तो उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, टिप्स अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और फाइनल टीम्स के लिए टॉस के बाद जो अपडेट आता है उसका फाइनल टीम्स के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको ये करना है, बस टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए हटके प्रेडिक्टर, जो यहाँ पे आपको दिखेगा HATKEPREDICTOR हटके प्रेडिक्टर, सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें। इस मैच में चांसेस है इंडिया वुमेन ही मैच जीतेगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वुमेन 2 मैच पूरा जीत चुकी है। तो इसमें भी 90% चांसेस है इंडिया जीतेगी, सिर्फ 10% चांसेस है कि साउथ अफ्रीका को तगड़ा मुकाबला देके जीत सकती है। तो दोस्तों ये बता दूं कि इस मैच में इंडिया वुमेन थोड़ा चेंजेस कर सकता है, जैसे कि 1 या 2 सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दे के कोई दूसरे यंग प्लेयर्स को चांस मिल सकता है। जैसे कि सुनने में आया है रिपोर्ट्स वगैरह देखने पे या ट्रेनिंग सेशन सब देखने पे, दयालन हेमलता ने बहुत लंबा बैटिंग सेशन किया था, तो चांसेस ज़्यादा है कि दयालन हेमलता किसी को भी रिप्लेस कर सकती है। तो मेरे अंदाजे से हरमनप्रीत कौर को रेस्ट दिया जा सकता है, दयालन हेमलता को चांस मिल सकता है। डी हेमलता भी एक ऑलराउंडर है, पार्ट टाइम बॉलर भी है और अच्छी खासी बैट्समैन भी है, तो अगर रिप्लेस करती है तो हमारे लिए पिक करना, मेरे लिए तो ज़रूरी होगा, मैं ज़रूर पिक करूँगा अगर खेलती है तो। तो चलिए अभी देख लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस का। तो यहाँ पे इंडिया वुमेन की तरफ से प्रिया पुनिया और जेमिया रॉड्रिग्यूस ओपन करती हैं। तो जेमिया रॉड्रिग्यूस एक बहुत अच्छी बैट्समैन है, अच्छा खासा खेल लेती है, तो फॉर्म में भी है, तो ये हमारे लिए एक मस्ट पिक रहेगी। प्रिया पुनिया भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म की थी और उससे पहले के भी थोड़े बहुत मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस था। पहले तो आउट ऑफ फॉर्म थी लेकिन अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो उसके बाद आती है पूनम रॉत ODI की बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत आराम से स्लो खेलती है लेकिन अच्छा खेलती है। तो उसके बाद है हमारी सबसे एवरग्रीन प्लेयर मिथाली राज, जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का विराट कोहली है वैसा मिथाली राज है वुमेन्स में। तो उसके बाद है हरमनप्रीत कौर, अगर हरमनप्रीत कौर को रेस्ट दिया जाता है तो दयालन हेमलता इनकी जगह पे खेलेगी। और उसके बाद है दीप्ति शर्मा, तानिया भाटिया, झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे। झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेती है, तानिया भाटिया को बैटिंग मिलने का चांसेस कम रहेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका वुमेन उतना स्कोर नहीं कर पा रहा है और इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, तो ये लोग आराम से चेस कर लेंगे। दीप्ति शर्मा T20 मैचेस में तो अच्छे खासे फॉर्म में थी लेकिन ODI में उतना कुछ खास कर नहीं पा रही है, लेकिन ऐसी प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकती है। बॉलिंग की बात करें तो शिखा पांडे, पूनम यादव, एकता बिष्ट और झूलन गोस्वामी, ये सारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी गुच्छों में विकेट ले सकता है। तो हमारे लिए जितना इंडिया वुमेन का बॉलर कवर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बात करें साउथ अफ्रीका वुमेन के प्रोबेबल 11 की, तो इनमें कोई उतना ज़्यादा चेंजेस का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन नेडेनी डेक्लर्क आ सकती है टी सेकू खुने की जगह पे। नेडेनी डेक्लर्क भी अच्छी बॉलर है, बॉलिंग अच्छा खासा कर लेती है लेकिन बैटिंग में उतना कुछ कर नहीं पाती है। तो साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से ओपन करेगी लिजेलेली और लॉरा उलवाट। लिजेलेली बहुत अच्छी अटैकिंग बैट्समैन है, कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकती है, तो इसको स्मॉल लीग के लिए बेटर ऑप्शन रहेगी कि पिक कर लें। ग्रैंड लीग में हम त्रिशा चेट्टी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि 1 डाउन पे आती है, वो भी अच्छी बल्लेबाज है, अच्छा बैटिंग कर लेती है, स्लो खेलती है। और उसके बाद है मिग्नन ड्यूप्रीज जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है। ड्यूप्रीज के बाद है एल गुडाल उतना कुछ अच्छी बैट्समैन नहीं है, तो इसको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है सुनेलूस बहुत अच्छी बैट्समैन है, बहुत अच्छी बॉलर भी है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स के आगे ये कुछ उतना खास कर नहीं पा रही है, तो इसको ग्रैंड लीग में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रख सकते हो लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है मरीजने कैप दोस्तों बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, अच्छा खासा बैटिंग भी कर लेती है और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेती है। उसके बाद आएगी नेडेनी डेक्लर्क या फिर सेकू कुने, जो भी खेलेगी उसके बाद वो आएगी। उसके बाद है नोंडो मिसो संगासे, तो इनका कोई बैटिंग में उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है और बैटिंग उतना कुछ कर भी नहीं लेती है, बॉलिंग में भी एवरेज बॉलर है। उसके बाद है शबनी मिसमाइल, जो के लिए हमारे लिए मस्ट पिक है, साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी बॉलर है और वर्ल्ड के टॉप रैंक बॉलर्स में भी एक है। उसके बाद है एबोंगा खाका, इनको आप ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। और जैसे कि पहले बताया था दयालन हेमलता चांस है आने का,
रिप्लेस हो सकती है, कोई भी बड़ी प्लेयर इंडिया का रेस्ट कर सकते हैं, वो हमें टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंडिया वुमेन के। इसमें जेमिया रॉड्रिग्यूस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिया रॉड्रिग्यूस कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर स्मॉल लीग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है हरमनप्रीत कौर, अगर खेले तो हम ज़रूर पिक करेंगे, अगर ड्रॉप हुए तो उसकी जगह पे दयालन हेमलता को पिक करेंगे। पूनम राउत है, पूनम राउत को आप ग्रैंड लीग वगैरह में कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पे ट्राई कर सकते हो। मिथाली राज मस्ट पिक है स्मॉल लीग्स के लिए, और इनमें इसको भी हम कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद आएगी दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, एकता बिष्ट। ये बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए ये चार प्लेयर्स हमारे लिए बेस्ट पिक रहेंगे। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लिजेल लेली। लिजेल लेली कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकती है। अगर फर्स्ट बैटिंग साउथ अफ्रीका की आती है, साउथ अफ्रीका वुमेन की, तो लिजेल लेली उतना कुछ खास कर नहीं पाती है फर्स्ट बैटिंग में, लेकिन चेसिंग में ये बहुत अच्छा खेलती है। इसके पुराने रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करेंगे तो चेसिंग बहुत अच्छा है। उसके बाद है सुनेलुस। सुनेलुस को आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करें, एक टीम में कैप्टन सुनेलुस, वाइस कैप्टन पूनम राउत के तौर पर भी जा सकते हैं। उसके बाद है उलवाट। उलवाट ओडीआई की बहुत अच्छी प्लेयर है, स्लो खेलती है और इनका एवरेज 45 है ओडीआई इसमें। और उसके बाद है मिग्नॉन ड्यूप्रीज। ड्यूप्रीज बहुत अच्छे खासे फॉर्म में है, टेरिफिक फॉर्म में चल रही है, तो इसको बिल्कुल ड्रॉप ना करें। आप अपने टीम में इनको रख सकते हैं, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है तो। और उसके बाद है नैडेनी डेक्लर्क। अगर डेक्लर्क खेलती है तो इनको हम पिक कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग के लिए उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, ग्रैंड लीग में हम इनको पिक कर सकते हैं। शबनीम इस्माइल स्मॉल लीग्स हो या ग्रैंड लीग हो, मस्ट पिक है। बॉलिंग बहुत अच्छा कर लेती है, एक दो विकेट तो ज़रूर निकाल लेगी। मैरिजन ए कैप, जो कि पिछले मैच में 50 प्लस का स्कोर किया था और बॉलिंग भी बहुत अच्छा किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की और ग्रैंड लीग ऑप्शंस की। ग्रैंड लीग में आप लिजेल्ले ली को ड्रॉप करके त्रिशा चेट्टी को ट्राई कर सकते हैं। तानिया भाटिया भी एक ऑप्शन है, जो कि सिर्फ आपको कैचिंग या स्टंपिंग में पॉइंट्स दे देगी, लेकिन बैटिंग में उतना कुछ पॉइंट दे नहीं पाएगी। तो उसमें ग्रैंड लीग के लिए त्रिशा चेट्टी को कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कीजिए। सुनेलुस, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, सुनेलुस और पूनम राउत दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। ये तीन ग्रैंड लीग के पिक्स रहेंगे कल के मैच के लिए। कैप्टन या वाइस कैप्टन की बात करें तो लिजेल लेली है, ड्यूप्रीज है, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, मिथाली राज, रॉड्रिग्यूस, दीप्ति शर्मा। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन इंडिया के बॉलर्स के साथ भी हम जा सकते हैं। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो मिथाली राज हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, रॉड्रिग्यूस के साथ या फिर पूनम यादव, झूलन गोस्वामी के साथ हम पेयर कर सकते हैं उनको। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम की। हमारी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी? तो मैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम रहेगी, विकेट कीपर सेक्शन से मैंने लिजेल ली को लिया है, बैटिंग से ड्यूप्रीज, मिथाली राज, रॉड्रिग्यूस और उलवाट को पिक किया है, ऑलराउंडर से मरिजेने कैप, दीप्ति शर्मा, और बॉलिंग से मैंने तीन इंडिया का बॉलर्स कवर किया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वुमेन का ऑल आउट होने का चांसेस ज़्यादा है और इंडिया वुमेन उतना जल्दी विकेट अपना देते नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए लिजेल लेली की जगह पे त्रिशा चेट्टी या फिर तानिया भाटिया को भी आप ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में हमारे पास है ऑप्शंस का पूनम राउत। पूनम राउत को आप ले सकते हो ग्रैंड लीग में, ट्राई कर सकते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर। और अगर दयालन हेमलता खेलती है तो मैं उसे ज़रूर पिक करूंगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है और हमें बैटिंग सेक्शन में अवेलेबल है, पार्ट टाइम बॉलर भी है, विकेट टेकिंग बॉलर भी है। और ऑप्शंस की एक और ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास प्रिया पुनिया भी है। प्रिया पुनिया को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप उनको ग्रैंड लीग में ट्राई करें, स्मॉल लीग में ना करें। ऑलराउंडर से मैंने पिक किया हुआ है मैरिजन ए कैप और दीप्ति शर्मा को। हरमनप्रीत कौर का कंफर्म नहीं है, रेस्ट अगर मिल जाए तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ा हुआ है। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद मिल जाएगी। एक और ऑप्शन है साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से सुनेलुस का। सुनेलुस को भी आप ट्राई कर सकते हो। दीप्ति शर्मा को मैंने यहाँ पे पिक किया है और बॉलिंग से मैंने शबनीम इस्माइल, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और एकता बिष्ट को पिक किया है। आपको ऑप्शन है शबनीम इस्माइल की जगह पे आयाबोंगा खाका को यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, या फिर शिखा पांडे को आप ले सकते हो। शबनीम इस्माइल को ड्रॉप करके पूरा इंडिया बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमारी ये टीम रहेगी शबनीम इस्माइल के साथ, और हमारी कैप्टन मरिजन कैप है और वाइस कैप्टन मिथाली राज है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से एक बेस्ट पिक है सिर्फ मरिजन कैप, जो कि पूरा अपना 10 ओवर पूरा डालती है और बैटिंग भी इनको मिलने का चांसेस है, तो अच्छा खासा पॉइंट स्कोर करेगी।
मिथाली राज इंडिया की तरफ से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, या फिर आप रॉड्रिग्यूज के साथ भी जा सकते हो। फाइनल अपडेट के लिए आपको अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फाइनल अपडेट आप ले सकते हैं। टॉस के बाद जो भी लाइनअप्स आएगा उसके हिसाब से हमारा फाइनल टीम बनेगा जो कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।